दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमसी फाइटर जेट के फाइनल डिजाइन के बारे में आई कुछ नई अपडेट्स के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही एमसी फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाने वाली थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एमसी फाइटर जेट के फाइनल डिजाइन के बारे में कुछ नई अपडेट्स आई हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि इसके फाइनल डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। इससे पहले जो इस फाइटर जेट के लिए ऑफिशियल डिजाइन रेंडरिंग्स दिखाई गई थी, उसके मुकाबले में इस नए रेंडर में इसमें कुछ चेंजेस देखे गए हैं और ऐसी उम्मीद है कि इस नए डिजाइन चेंजेस को एरो इंडिया 2021 में दिखाया जाएगा। एरो इंडिया 2021 में ही इस फाइटर जेट के फाइनल डिजाइन के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसको शोकेस किया जाएगा। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने ऐसा कंफर्म कर दिया है कि डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट DSI एयर इनलेट को इस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इस फाइटर जेट के वेट को भी रिड्यूस करेगी और इसके साथ ही इसके फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करेगी। और ऐसा ही इस नए रेंडर में देखा जा रहा है, जिसमें ऐसा देखा गया है कि इसमें DSI इंटेक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी और ये ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली भी हो जाएगा। और इसके साथ ही इस नए रेंडर में इस फाइटर जेट में फॉरवर्ड स्वेप्ट इंटेक कॉल को देखा गया है और उसके साथ ही स्मूथ हम ब्लेंडेड सरफेस को देखा गया है, जो कि इंटेक और फ्यूजलाज के बीच में है, जिससे रडार वेव्स का एक्सपोजर कम होता है। इससे इस फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। इसके साथ ही इस नए डिज़ाइन में बड़ी हॉरिजॉन्टल टेल्स देखी गई हैं, जो कि लो वेव ड्रैग के लिए काम आएंगी। इसके साथ ही इस रेंडर में इंजन की पोजीशन को थोड़ा आगे कर दिया गया है, जिससे इस फाइटर जेट का इंफ्रारेड सिग्नेचर काफ़ी कम हो जाएगा और इसके साथ ही एक नए अपग्रेडेड 110 kN थ्रस्ट इंजन के लिए भी थोड़ी स्पेस बच जाएगी, जो कि नए Mk2 वेरियंट में आएगा, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मॉड्यूल भी होगा। इसके साथ ही एमसी फाइटर जेट का जो इंटरनल वेपन बे है उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया है और जो मेन लैंडिंग गियर है उसे भी आगे कर दिया गया है। इन सभी चेंजेस से ऐसा पता चलता है कि एमसी फाइटर जेट को बेहतर बनाने के लिए और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए और इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने के लिए जो चेंजेस किए जाने थे वो भी कर लिए गए हैं और शायद यही डिज़ाइन फाइनल डिज़ाइन हो और जो 2021 में एरो इंडिया में हमें डिज़ाइन दिखाया जाए वो यही डिज़ाइन हो। इसके फाइनल डिज़ाइन फ्रीज हो जाने के बाद इस फाइटर जेट की मेटल कटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और इसके बाद 2023-24 तक हमें इस फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इस फाइटर जेट में कौन सी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा पहले कंफर्म कर दिया गया था कि इस फाइटर जेट में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट और SU-57 एयरक्राफ्ट में किया जाता है। ये दोनों एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और ये दोनों एयरक्राफ्ट ही थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मॉड्यूल का इस्तेमाल जिस एयरक्राफ्ट में किया जाता है उसकी मनोवरेबिलिटी में काफ़ी इंक्रीज देखा जाता है। हमारे SU-30MK एयरक्राफ्ट में भी इन्हीं नोजल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हमारे SU-30MK एयरक्राफ्ट को सुपर मनोवरेबल समझा जाता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल मॉड्यूल में दो ऑप्शंस देखी जाती हैं, एक है 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग और एक है 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग। F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया गया है और हमारे SU-30MK एयरक्राफ्ट में और SU-57 एयरक्राफ्ट में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में ट्रेडिशनली 3 डिग्री के फ्रीडम होते हैं, जो कि एरोडायनामिक मनोवरेबिलिटी में होते हैं, जो कि होते हैं पिच, याव एंड रोल। इन सभी डायमेंशंस को थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ मैनिपुलेट किया जाता है और ऐसे ही 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग में सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलता है, जो कि पिच प्लस रोल या याव होता है। और वहीं जो 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल होता है वो इन तीनों डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह थोड़ा ओवर हाइप्ड सिस्टम है और एक एयरक्राफ्ट की मैनोवरेबिलिटी को लेकर सिर्फ एक 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम भी काफ़ी है। F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट में 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी जानकारी है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने के लिए ही इसमें 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ही ऐसी जानकारी भी है कि जो 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वहीं जो 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग है वो उसके मुकाबले में थोड़ी आसान है। और एक ऐसा देश जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी के साथ पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो भारत जैसे देश के लिए 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग की ऑप्शन ही सही होगी।
अभी हमारा देश दूसरे देशों के साथ मिलकर एमसीए फाइटर जेट के लिए एक हाई कैपेसिटी इंजन डेवलप करने वाला है। अभी तक हम एमसीए मार्क 1 वेरिएंट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंजन इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि F414 एनहेंस्ड इंजन होने वाला है। यहां पर आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भी F22 रैप्टर एयरक्राफ्ट के लिए एक इंजन डेवलप किया था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। इस इंजन में भी 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर हम ऐसा जानते हैं कि 2D थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक के पास अवेलेबल है। और इसके साथ ही अभी एमसीए फाइटर जेट के लिए जो नया इंजन डेवलप किया जाएगा, उसके लिए रोल्स रॉयस और साफरन जैसी कंपनीज कॉन्टेंडर्स हैं। लेकिन अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है कि कौन सी कंपनी एमसीए फाइटर जेट के लिए इंजन डेवलप करेगी। अभी रोल्स रॉयस ने हमें पार्टनरशिप ऑफर की है, और रोल्स रॉयस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अवेलेबल है, क्योंकि रोल्स रॉयस ने F-35 एयरक्राफ्ट के बी वेरिएंट में इस्तेमाल की जाने वाली वर्टिकल लिफ्ट टेक्नोलॉजी बनाई है, और उनके पास ऐसी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए एक ऐसा केबल इंजन डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और इससे पहले ऐसी जानकारी दी गई थी कि क्लिमोव और DRDO मिलकर एक ऐसी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल डेवलप करने वाले हैं, जो कि हमारे सभी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जा सकेगी और हमारे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स के साथ इस्तेमाल की जा सकेगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में बाद में कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। क्लिमोव वो कंपनी है जो कि हमारे MiG-29 एयरक्राफ्ट के लिए इंजन डेवलप करती है। ये एक रशियन कंपनी है। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है कि हमारे एमसीए फाइटर जेट में कैसी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इतना क्लियर हो गया है कि हमारे एमसीए फाइटर जेट में अभी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमारे एयरक्राफ्ट की मैनोवरेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।